हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एससी शुक्ला, पीजीटी इकोनॉमिक्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय पुष विहार, न्यू दिल्ली। आई एम गोइंग टू टेक इकोनॉमिक्स क्लास फॉर क्लास 12th टुडे। माई टॉपिक इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज come and join Hi dear students, please come and join। आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं और हम लोग आज का टॉपिक जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है उसे शुरू कर दिया जाए। आज के टॉपिक पर हम लोग विस्तार से बहुत सारी बातें करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन इंडिपेंडेंस के पहले क्या थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आए, किस तरह से हमारी इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉयट किया गया। वी आर हियर ओनली टू डिस्कस ऑल दीज इश्यूज गाइस। हरी अप, कम एंड ज्वाइन द क्लास। वी विल स्टार्ट आवर क्लास at 2 p.m. sharp, so please hurry up and join the class. Get ready with your notebook and pen. We are going to do many more things in our live class, so without any hesitation please come and join. Dear students, you know both teachers and students are two sides of the same coin. We have to complete our goal together. So without you, we are unable to disseminate anything. इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं और हम लोग क्लास शुरू करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर क्लास को एंजॉय करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। आई पर्सनली फील दिस इज द कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स, सो यू मस्ट फील दैट यू आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी गुड सब्जेक्ट। We are privileged to have this subject and continuously we are sharing our views to each other. So hurry up dear students, we are going to join each and everybody very soon. जितने जल्दी आप लोग आ जाएंगे हम शुरू कर देंगे। आज के टॉपिक पर हम लोगों को बहुत सारी करनी है और ढेर सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की हैं कि हम लोग फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल सकते, फेस टू फेस टीचिंग नहीं हो सकती, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग इज द बेस्ट वे इन दिस टाइम। सो रिमेन सेफ एट योर होम, कीप ऑन स्टडिंग, प्लीज मेक नेसेसरी नोट्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से घर पर रह करके अपने स्वास्थ्य का, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है,
जिससे आने वाले दिनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात ठीक है कि फिजिकली जो हम लोग जिस तरीके से टीचिंग लर्निंग संपादित करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में इससे बेहतर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों जल्दी जल्दी से आ जाइए और हम लोग अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएं, डिस्कस करें। इफ यू लुक एट देयर एवरीथिंग आई हैव गिवन यू, एस सी शुक्ला पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय पुस बिहार न्यू दिल्ली, टुडेज लेक्चर नंबर 2, आज की डेट देख लें, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 12th, टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इट्स इकोनॉमिक्स बेटा, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं और हम सभी लोग अपनी क्लास को तुरंत आगे बढ़ाएं। बस 2 बजने ही वाले हैं। दो बजते ही हम लोग अपनी क्लास शुरू कर देंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स कम ऑन, हरी अप एंड यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन राइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स देयर। आप पेन और पेपर्स के साथ में बैठें, जो भी चीजें होंगी सारी डिस्कस की जाएंगी। जिन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सब एक एक करके क्लियर किया जाएगा। तो प्लीज आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग थ्रू आउट द सेशन। प्लीज हरी अप and join the class. बच्चों उम्मीद करता हूं कि घर पर सब कुछ ठीक ठाक होगा और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से होंगे। आप अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पेरेंट्स के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस टाइम को बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके पास बहुत स्वर्णिम अवसर है, जब आप बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ काम कर सकते हैं और अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसलिए इस तरह से हम सभी को नेगेटिव नहीं सोचना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेकर के आती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और हम सभी लोग जल्द ही अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, 2 बजते ही क्लास शुरू हो जाएगी। प्लीज बी रेडी। आपके पास पेन पेपर ये दोनों चीजें होनी चाहिए जिससे आप कुछ लिख सकें, आप डिस्कशन कर सकें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप लिख दीजिएगा, हम उसको यहां से एड्रेस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो भी जानकारी हम लोग शेयर करेंगे। बच्चों अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की ठीक पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा किस तरह की थी,
उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन इकॉनमी ब्रिटिशर्स के पहले बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इंडियन इकॉनमी का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया और वो एक्सप्लॉयटेशन केवल इसलिए किया गया क्योंकि वहां उनके अपने देश में औद्योगिकरण तेजी के साथ हो रहा था, हमारे यहां से रॉ मटेरियल्स को ले जा करके उन्होंने अपने देश में उद्योगों को बढ़ावा दिया। और क्या क्या चीजें इस बीच में हुई, हम एक एक सेक्टर को लेकर के आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के यहां पर आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली थी। प्यारे बच्चों, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 द कंट्रोल ओवर इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन हु कंटिन्यूड द कॉलोनियल रूल फॉर नियरली 200 ईयर्स टिल इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। उन लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीयों का शोषण हमारे स्वतंत्रता मिलने तक जारी रखी। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी कि ये जो कॉलोनियल रूल के बारे में हमने बात की, ये कॉलोनियल रूल क्या चीज होता है, कॉलोनियलिज्म वास्तव में है क्या। बच्चों, ये एक ऐसा सिस्टम था बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी। द रूलिंग कंट्री हैज द कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सब्जुगेटेड कंट्री। यानी जिस कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अधिकार कर लिया है उसके सारे संसाधनों पर, चाहे वो राजनैतिक या आर्थिक जीवन हो, उन पर उस विजेता देश का अधिकार हो जाता था और वो उसे अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने आर्थिक हितों को पूर्ण करने के लिए यूज करता था। तो कुछ इस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का शोषण किया और हमें अपनी एक कॉलोनी बना ली। कॉलोनी इस सेंस में कि एक अपना, जिसे हम कहते हैं हमारे पास एक घर है और हमने एक दूसरा घर भी बना लिया जहां पर हम कभी कभी जाकर रुकते हैं, लेकिन अब उसका उद्देश्य उनका ये रहा कि कॉलोनी से हम वहां के रिसोर्सेस को अपने मेन घर में ले आएंगे और फिर कितना हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं किसी दूसरे के विकास को अवरुद्ध करते हुए, उनके अगर रिसोर्सेस को, हमारे रिसोर्सेस को उन्होंने एक्सप्लॉयट किया, अपने यहां से वहां ले गए और अपने देश को समृद्ध बनाने में उन्होंने लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगर आप देखें एक 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 सेक्टर के आधार पर अगर आप देखें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। बच्चों, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व रही वो क्या थी, खासतौर से एग्रीकल्चर हमारा किस तरह का था, वो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। यू प्लीज सी, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम ये थी कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा जो एग्रीकल्चर था वहां पर उत्पादन और उत्पादकता दोनों इतनी निम्न थी कि इससे हमारे
कृषि क्षेत्र का कुछ अच्छा नहीं हो सकता था और ये अंग्रेजों के कारण ही इतने निम्नतम स्तर पर पहुंचा था। उसके पीछे कई कारण थे, मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूं। जैसे अगर आप जमींदारी सिस्टम को देखें तो अंग्रेजों ने हमारे यहां जमींदारी सिस्टम लागू किया और ये जमींदारी सिस्टम यानी कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम ये किस तरह से और कैसे खतरनाक था इसे आप समझ सकते हैं। इट वॉज एक्चुअली न्यू पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ये एक नए तरह का लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जिसको अंग्रेजों ने हमारे देश में लागू किया। इसमें एक्चुअली इस लैंड टेन्योर सिस्टम के तीन फॉर्म थे, पहला जमींदारी सिस्टम, दूसरा महलवाड़ी सिस्टम और तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम था। इसे अपने देश के डिफरेंट पार्ट में लागू किया गया लेकिन नॉर्थ इंडिया में जमींदारी सिस्टम लागू किया गया, रैयतवाड़ी सिस्टम सुदूर दक्षिण में और महलवाड़ी मिड इंडिया में लागू किया गया। बट बच्चों, इस सिस्टम ने यानी जमींदारी सिस्टम ने दो बुराइयों को जन्म दिया। पहली बुराई, लैंड लॉर्ड्स यानी जमींदार लोग पैदा हो गए, जिनके पास जमींदारी थी उनको हम जमींदार बोलते हैं यानी लैंड लॉर्ड्स, और दूसरे वो बेचारे बच गए जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स, जो भूमिहीन किसान जो जोत में अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। तो जमींदारी सिस्टम का जो जो लागू होना था उसने दो बहुत ही नेगेटिव उसका आउटकम था कि दो तरह के ग्रुप्स का निर्माण हुआ, एक लैंड लॉर्ड्स और दूसरा लैंडलेस कल्टीवेटर्स। अगर आप देखें तो अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स यूज्ड टू एक्सप्लॉइट कल्टीवेटर्स, दे यूज टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द कल्टीवेटर्स। क्योंकि जमींदारी सिस्टम में ये जमींदार इतना हाई रेट रिवेन्यू का रख देते थे और कल्टीवेटर से चार्ज करते थे कि कल्टीवेटर को अगर सब भी उनको दे दे तब भी उसके पास कुछ नहीं बचता था। यानी इसका रिपरकेशंस क्या हुआ कि अब फार्मर के पास सफिशियंट रिसोर्सेस उसके यूज के लिए भी नहीं बचते थे और ना ही एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास बचते थे। यानी जो भी प्रोडक्शन होता था, राजस्व की दरें इतनी ऊंची थी कि उसका बड़ा पोर्शन कई कई क्षेत्रों में तो प्यारे बच्चों 80% के ऊपर था रेवेन्यू सिस्टम यानी टोटल प्रोडक्शन का, तो वो दे देता था रेवेन्यू के रूप में। अब अगर कोई 80% अपना रेवेन्यू दे दिया, 20% उसके पास बचा, तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने फैमिली को किस तरह से उस पर उसे पूरे वर्ष तक उनकी जीविका का निर्वाह करेगा या फिर उसी को बेच करके उसके माध्यम से वो कुछ कैपिटल अर्जित करे और बाद में इन्वेस्टमेंट करे जिससे उसकी एग्रीकल्चर और आगे बढ़े। तो ये दोनों चीजें इस जमींदारी सिस्टम के कारण ब्लॉक कर दी गई, ब्लॉक हो गई और अब हमारे यहां का जो किसान हुआ करता था अंग्रेजों के समय में उसकी भिखारी हो गई। प्यारे बच्चों, इन सब चीजों के अतिरिक्त जमींदार इतना ही जुल्म किसानों पर नहीं किए बल्कि जमींदार फोर्स द कल्टीवेटर्स टू वर्क ऑन दियर फार्म्स। मतलब जो जमींदार नहीं आप हमारे फार्म काम करिए, दे देमसेल्व्स लेड अ लैविश लाइफ एंड हार्ड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उन्होंने खुशहाली और अयासी का जीवन जिया, कौन, जमींदारों ने, और कभी भी उन्होंने एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का कोई निवेश नहीं किया। इस कारण से प्यारे बच्चों ये एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड रह गया। इसकी
दशा दिशा पिछड़ी रह गई, सिस्टम यानी लैंड रेवेन्यू जो था वो सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार नहीं भूलना है। उसके बाद आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड डिपेंडेंस ऑन मानसून, दिस वाज द परमानेंट फीचर ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर। एक्चुअली अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज ही नहीं है तो आप अपनी फसलों को पानी कहां से देंगे? चलिए अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और किसी तरह से उस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया गया। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमारे देश में कृषि को अंग्रेजों के समय से ही मानसून का जुआ, गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मानसून आया तो फिर कृषि कार्य होंगे, और अगर मानसून नहीं आया तो कृषि कार्य नहीं हो सकते। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश जिस देश में पूरी कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर हो, वहां पर कैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बच्चों देखें आप तो एग्रीकल्चर की बुरी स्थिति क्यों थी, या ये स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी हमारा इंडियन इकोनॉमी क्यों हो गई, उसके पीछे का कारण था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का व्यावसायीकरण कर दिया गया, अंग्रेजों ने जानबूझ करके ये काम किया, उन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन को इनिशिएट किया एग्रीकल्चर में, इन विच दे एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी जो खाद्यान्न वाली फसलें थी जिन्हें आम किसान था और अपने भरण पोषण के लिए यूज करता था, उससे अंग्रेजों ने सिस्टमैटिकली डाइवर्ट करके कैश क्रॉप की तरफ उसे मोड़ दिया। और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि उस तरीके से इस कैश क्रॉप को कमर्शियलाइज करके उसे बेच करके उसी देश में उन्हीं देश के लोगों में और उनसे पैसे वसूला जाए, यानी अभी आप आगे पढ़ेंगे जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। तो इस तरीके से रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज द कंट्री हैड टू सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फेमाइंस। इस तरह की व्यवस्था से हमारे देश में बार बार अकाल भी पड़ने लगे। उन अकाल में बहुत सारे अकाल आए जिसमें बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ धोनी पड़ी। तो बच्चों, उनकी पॉलिसीज और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी खास तौर से इस तरह की थी जो पूरी तरह से हमारी एग्रीकल्चर को तहस नहस कर दिया, और जिसमें हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। रही सही कसर एग्रीकल्चर में, पार्टीशन जब 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान बने तो वहां पर पूरी हो गई। पार्टीशन के कारण इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्टेड टू अ ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन था हमारा वो अफेक्ट हो गया। उसका कारण था कि बहुत सारा क्षेत्र जो हमारा प्रोडक्टिव था वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, और हमारी जो जिस चीज में महारत हासिल थी जैसे जूट में, तो ये सारी चीजें जो है उनके पार्ट में हो गई, तो हमें वहां भी सफर करना पड़ा और हम बहुत ही बुरी तरीके से इससे प्रभावित हुए। मुझे लगता है बच्चों कि आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम थी, जिस तरह की प्रॉब्लम्स उस समय अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट की गई, एंड आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। सो अभी हम लोग, अगर आप लोग कहें तो आगे बढ़ें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बच्चों, जो हमारी इंडस्ट्री थी वहां पर क्या हुआ, लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारे यहां के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक थी उस समय भी,
तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं उस समय, तो लोग हस्तशिल्प में हमारे यहां बहुत कुशल थे, बहुत प्रवीण थे, और उनकी कारीगरी का डंका पूरे दुनिया के हिस्सों में बजता था, और यहां की हाथ से बनी बनाई हुई चीजें विदेशों में बहुत पसंद की जाती थी। तो अंग्रेजों ने इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और उन्होंने इंडस्ट्रीज को उनके नष्ट करने का दो प्रमुख कारण था। इफ यू लुक एट, देयर वर टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। नंबर वन, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट एंड दस रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि अंग्रेज उस समय तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश कर चुके थे या कर रहे थे, तो इन सब चीजों के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए, और उस रॉ मटेरियल्स को गेन करने के लिए हिंदुस्तान से बेहतर जगह उन्हें और कोई नजर नहीं आई। तो इसलिए पहला जो उनका ऑब्जेक्टिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, वो हमारे से कच्चे माल ले जाना और फिर वहां से बनी बनाई चीजों को हमारे यहां के बीच में बेचना। इस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस, हमारे रॉ मटेरियल्स को बहुत कम प्राइस पर ले जाते थे या कभी नहीं जाता था, लेकिन इन टर्न व्हेन दे कन्वर्टेड दोज रॉ मटेरियल्स इनटू अ फिनिश्ड गुड्स एंड फर्दर इट वाज अमंग द इंडियन पीपल देन अ वेरी हाई प्राइस। तो उन सब चीजों में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में शुरू हुआ। अगर आप स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को देखें, तो खैर यह तो सवाल ही नहीं था कि वो किसी मॉडर्न इंडस्ट्री को हमारे यहां इस्टैब्लिश करें। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो बची रहती, जो हमारे लोग जिस पर डिपेंडेंट थे वो बचा रहता, यही सफिशियंट था, बट दे नेवर टुक एनी इनिशिएटिव टू इस्टैब्लिश अ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। बट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, डियर स्टूडेंट्स, जमशेद जी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की, जो कि आज के झारखंड में स्थित है, और ये टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907 एंड फाइनली इट इस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट प्लांट इन जमशेदपुर दैट इज नाउ इन झारखंड एंड इट बिगेन प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 1912। 1912 में इसने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद बच्चों, अगर आप तीसरी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम है, इफ यू लुक एट कि लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, फिर वही चीज कि अंग्रेजों का उद्देश्य तो यहां से केवल एक्सप्लॉयटेशन करना था, तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, आप जानते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसे ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसी वस्तुओं का निर्माण करती हैं जो फर्दर वस्तुओं के निर्माण में यूज की जाती हैं। तो बाई ब्रिटिशर्स नो अटेंशन वॉज पेड टू द प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री मेनली कंप्राइजेज ऑफ मशीन टूल्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, का कोई इंटरेस्ट नहीं था सिवाय इसके कि कितना अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन रिसोर्सेस का किया जा सके। अगर आप चौथा पॉइंट लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन के बारे में देखें, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिश रूल के टाइम में वो इसलिए बहुत पिछड़ा हुआ नजर आया, उसके पीछे जो है दो कारण नजर आते हैं। पहला, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वॉज वेरी स्मॉल, देयर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री। पब्लिक सेक्टर यानी कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको सरकार खुद इस्टैब्लिश करती है, उसके नाम पर
कुछ भी नहीं था। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण आपने देखा कि किस तरह से हमारे इंडस्ट्री को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा और हमारी अर्थव्यवस्था दिनों दिन बुरे दौर में जाती रही। अब अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात करें, जो हमारा विदेशी व्यापार था, उसमें पहला पॉइंट अगर आप देखें, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं एंड मुझे नहीं लगता कि यहां कोई चर्चा की जरूरत है। तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वॉज नाउ विद ब्रिटेन। जो हमारा ट्रेड था उसका बहुत हिस्सा अंग्रेजों के साथ होता था, और वो ऐसा नहीं कि हम जानबूझ करके कर रहे थे, इट वॉज दियर पॉलिसी टू डू दैट बिकॉज दे वेर एक्सपोर्टिंग, यू नो, इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देयर फिनिश्ड गुड टू इंडिया इन ऑर्डर टू सेल इट एट हाई प्राइस। तो दैट इज वाई उन्हीं को ये डिसाइड करना था कि हमें किसके साथ में क्या करना है। तो बाई वर्च्यू ऑफ दैट ये तो होना ही था कि हमारा ट्रेड का जो बहुत बड़ा पार्ट है, जो कंपोनेंट है, दैट वॉज कन्फाइंड टू विद ब्रिटेन ओनली। तो इस तरीके से अगर आप फॉरेन ट्रेड के संदर्भ में देखें तो जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, यानी कि जो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस वो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट कैसे करे, उस पैसे का उपयोग वो कहां पर करें, वो उनको सोचना था और वो उनको हमारे इंडियन लोगों को, हम लोगों को ध्यान में रख करके नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को ध्यान में रख करके उस पर काम किया। आप जानते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, इट इंप्लाइज दैट द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट्स वेयर ग्रेटर देन इट्स इंपोर्ट्स, यानी कि व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट सरप्लस। अगर आप आगे इसी क्लास में बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां और विस्तार से आपको बताया जाएगा। बट ये एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब हुआ कि व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन दैट ऑफ द इंपोर्ट देन इट इज टू बी टर्म्ड एज एक्सपोर्ट सरप्लस। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप इसे जरूर समझे होंगे, और जो इस फॉरेन ट्रेड के संदर्भ में लास्ट बात जो है वो ओपनिंग अप स्वेज कैनाल रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्चुअली ये जो स्वेज कैनाल 1859 में ओपन की गई, इसके ओपन होने के बाद से एक्चुअली जो हमारा डायरेक्ट जो ट्रेड था, इट प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया बाय डूइंग अवे विद द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। पहले हम अफ्रीका से घूम करके आते थे, लेकिन अब ये स्वेज कैनाल जब 1869 में खुल गई तो इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिग्निफिकेंटली। तो इसने जब इसको कम कर दिया तो वो भी, उसको भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने फेवर में देखा और उसका लाभ पूरा का पूरा उन्होंने खुद लिया, अंग्रेजों ने, न कि भारतीय या भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रदान किया। अगर बच्चों उस समय की डेमोग्राफिक कंडीशन पर हम लोग नजर डालें तो हम पाते हैं कि एट दैट टाइम देयर वाज अ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेयर हाई। बर्थ रेट विच वॉज नियरली 48 पर 1000, यानी प्रति 1000 पर 48 बर्थ रेट थी, यू नो, एंड कब, ये बिफोर 1921, एंड इट फेल डाउन टू 40 पर 1000 ड्यूरिंग 1941 to 50। 1921 के पहले, 1921 हमारी डेमोग्राफी की का डिवाइडिंग ईयर माना जाता है। क्यों डिवाइडिंग ईयर माना जाता है हम अभी, क्योंकि यहां से हमारी सेंसस का ट्रेंड चेंज हुआ, पहली बार उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया। किस तरह का चेंज आया कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घट गई थी।
फिलहाल इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे आगे अभी, लेकिन अभी यहां पर हमें यह जानना जरूरी है कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट का कारण क्या था। तो हाई बर्थ रेट जो 1921 में 48 थी पर थाउजेंड, वो 41 से 50 के बीच आते आते ये 40 हो गई पर थाउजेंड, यानी 8 कम हो गई। और डेथ रेट जो कि 42 पर 1000 थी 1921 के पहले, ये गिर करके 27 पर थाउजेंड 1941 एंड 50 में हो गई। मतलब ये फिगर फिर भी इट वॉज स्टिल हाई एज कंपेयर टू नियरली 20 पर थाउजेंड एंड 6.4 पर थाउजेंड इन ईयर इन 2016 एंड 17। अगर आप 16 17 के डेटा को देखें तो बर्थ रेट 20 पर थाउजेंड और 6.4 पर थाउजेंड डेथ रेट है। तो इस अगर आप 2016 और 17 से ही केवल कंपेयर करें के बीच के दौर को, तो आप पाएंगे कि इट वाज वेरी हाई रियली। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हमारे यहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए कुछ भी नहीं किया। लो लिटरेसी रेट थी, इसीलिए लैक ऑफ एजुकेशन था लोगों में, एजुकेशन पर नहीं ध्यान दिया गया। और जब ये सारी चीजें थी, जब हमारी मेडिकल बहुत अच्छी नहीं थी, तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना ही था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे एक वर्ष के या एक वर्ष के नीचे हैं और उनमें से मरने वालों की संख्या पर 1000 को इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर अच्छे से समझ रहे होंगे, और कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर देंगे तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप देखें, यू जस्ट इमेजिन, यू नो इट वॉज 32 ईयर्स टू 68। हमारे देश में आप इतने से अनुमान लगाइए कि आज की जो हमारी जीवन प्रत्याशा 68 ईयर्स एक आम की जीवन प्रत्याशा आने, लेकिन अंग्रेजों के पीरियड में यानी उनके जाते जाते आप कहिए इट वाज एज लो एज 30 ईयर्स ओनली। सो यू जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज दे वर प्रोवाइडिंग एंड हाउ दे हम लोगों का ध्यान रख रहे थे, किस तरह से उनकी पॉलिसीज थी, ये इंडिकेट करने के लिए सफिशियंट है। बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब होता है हमारे वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में है। और हमारे सेक्टर्स कितने हैं बच्चों? तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इन सेक्टर्स में वर्क फोर्स किस तरीके से, कितना परसेंटेज वर्क फोर्स लगा हुआ था, और उससे आप समझ करके, उसे आप देख करके, उसे आप जान करके ये पता लगा सकते हैं कि वेदर योर इकोनॉमी वाज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और इन बैड वन। तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं। फिर नेक्स्ट अगर स्टेप पर देखें तो ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन था। रीजनल वेरिएशन इतना अधिक था, किस तरह का रीजनल वेरिएशन था? इसी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर के, यानी कि कहीं कोई कोई ऐसा भी क्षेत्र था जिस क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं लगा हुआ था। तो ये सारी चीजें उसको, उनको जिसे अंग्रेजों को एड्रेस करना था
उन्होंने कभी भी नहीं एड्रेस किया। अब आप देखें कि जो चीजें हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय, मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला एंड कर्नाटका को मिलाकर के मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते थे, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, देयर वाज डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन था, जबकि उन दोनों सेक्टर्स में, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, वो इंक्रीज कर रहे थे। वाइल ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एक जो बैलेंस बनाने की बात होती है कि अगर बैलेंस, इफ यू वांट टू हैव अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, यू नीड टू यू नो हैव अ प्रॉपर एंड इक्वल अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी सेक्टर। तो वो सारी चीजें वहां पर गायब थी, जिसके कारण ये हमारी इकोनॉमी इस तरीके से उसका बुरा हाल हुआ। अगला पॉइंट है बच्चों कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर पर अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज है, सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने का एक सपोर्ट सिस्टम होता है। आप ऐसे समझें, इट इज अ सपोर्ट सिस्टम टू डेवलप अ इकोनॉमी। अब पर्टिकुलरली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें बच्चों, तो ये दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें आती हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब आप अगर देखें इन्हीं दो इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स पर ही, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के टाइप में, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इस पर काम किया गया। और कहीं पर भी रोड्स की क्या कंडीशन थी, बहुत ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, एक क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन काफी हद तक आज भी हमारे बहुत काम आ रहा है। अगर आप देखें तो रेलवे के फील्ड में अंग्रेजों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इंडियन रेलवेज बिगन देयर ऑपरेशन इन 1853, जिसमें मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे चली अप्रैल 1853 में। आप लोगों को ये फैक्ट जरूर याद रखना चाहिए। लेकिन जो इनके इस दिशा में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो जरूर मैं आप लोगों से चर्चा कर लेना चाहता हूं बच्चों। एक तो इस रेलवे ने चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खासतौर से उन जगहों पर डेवलप किया जो डिस्टेंट थे, बहुत दूर स्थित थे, मतलब एक कंट्री के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम किया। तो इसे आप, हालांकि उनका उद्देश्य हमें जोड़ना नहीं था, उनका उद्देश्य दूर दूर से रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करके यहां पर जो शिप्स थी वहां तक पहुंचाना और उसके बाद उसे फिर ब्रिटेन भेज देना था। उनका पर्पज ये कतई नहीं था कि हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिले और हम एक दूसरे से मिलजुल सकें या हम दूसरे से कनेक्ट हो सकें। अब दूसरी चीज क्या थी, इसी रेलवे ने, जिसको अंग्रेजों ने रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने की ढाल बनाई, वही रेलवे एक्चुअली ज्योग्राफिकल जो बैरियर था इंडियंस का, जो लोगों की थिंकिंग थी, जो थॉट चल रहे थे लोगों के माइंड में, वो ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण एक दूसरे से शेयर नहीं हो पा रहे थे, वो शेयर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो हमारी डिस्टेंस की जो प्रॉब्लम थी, जो कल्चरल इनपुट यानी कि एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, वो सब शुरू हो गया होना। और इस एक नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में डाली और नेशनल यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। तो इसने, इसके साथ साथ ही
एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिली और लोग बहुत शिद्दत के साथ काम करने में जुटे। इसने फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा दिया और रेलवे ने फूड ग्रेन्स को बहुत तेजी के साथ एक जगह से, जैसे आप जानते हैं उन दिनों भारत में कितने अकाल पड़ते थे और किस तरह की प्रॉब्लम होती थी, तो इन सब चीज़ों में रेलवे ने बड़ा योगदान दिया। तो इसे आप एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के रूप में, अंग्रेजों का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा वो रेलवे के क्षेत्र में रहा। पोस्ट और टेलीग्राफ भी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसका भी पर्पज यही था कि हम किस तरीके से सूचनाएं एकत्र कर सके। अगर किसी क्षेत्र में, किसी पार्ट ऑफ कंट्री में रिसर्च हो रहा है या कोई रिवेलियन बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको किस तरह से क्रश किया जा सके, दबाया जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इन उन्होंने काम किया। बाकी आप बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि कम्युनिकेशन के फील्ड में मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड इन 1837 में जो आधुनिक कम्युनिकेशन है वो शुरू हुआ और इसने बहुत महती भूमिका निभाई। हालांकि जब तक अंग्रेज रहे उसमें वो उनके लिए एक ढाल का काम करते रहे। आगे देखते हैं बच्चों, अभी हम लोग जब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर उस समय 70-75% 1951 में उसका कंट्रीब्यूशन था और सेकेंडरी सेक्टर का केवल 10% था, और जबकि टर्शियरी सेक्टर का 15-20%। इस पाई डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का था जब अंग्रेज गए या उनके ठीक जाने के बाद। बच्चों, अब हम जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की उनमें से कुछ चीजें हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर कर लेना चाहते हैं। जैसे आप देखें स्क्रीन पर, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या चीज है? तो इट इज ए फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। यानी इस तरह के सिस्टम में केवल फैमिली की या सेल्फ कंजम्पशन की जो नीड होती है उसे फुलफिल करने के लिए ही प्रोडक्शन किया जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग में। तो ये एक कॉमन फीचर था हमारे देश की इकोनॉमी का, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर। नंबर टू, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? इट इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि अब देखिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग एक तरफ थी और दूसरी तरफ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसे अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसका पर्पज क्या था? कि ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना जो मार्केट में हम जिसको मार्केटाइज कर सके, बजाय इसके कि अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ अपने स्व उपभोग के लिए। तो स्व उपभोग यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था? मार्केट, कैसे ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाए जिसे हम मार्केट तक ले जा सकें, उससे पैसे बना सकें और आगे इन्वेस्टमेंट में उसका यूज कर सकें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ड्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो आपको इकोनॉमिक ड्रेन, ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे मच डिबेटेड इश्यू होता है और यहां पर आप कई बार जो है इसकी चर्चा सुनते हैं। तो अगर आप देखें तो द वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज टर्म्ड एज इकोनॉमिक ड्रेन। मतलब ये जो निकासी का सिद्धांत है जिसे हम लोग
ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री उस समय पर थे जिन्होंने अपना इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर वी के आर बी राव और आर सी देसाई। ये चार नाम कम से कम आपको याद रखने चाहिए और इनको आप अगर चाहें तो लिख भी लें। विलियम डिग्बी, नंबर टू दादा भाई नौरोजी, नंबर तीन डॉक्टर वी के आर बी राव और लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज आर सी देसाई। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने हाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों, सॉरी उसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन सेंसस पर। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन। सेंसस में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से लोगों की जनगणना होती है, उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के। और डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि मालूम है कि फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस, सिस्टमैटिक सेंसस टुक प्लेस इन 1881, और वैसे तो सेंसस 1872 में, 1872 में पहली हुई थी ड्यूरिंग द वॉयस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड मेयो, बट इट वॉज नॉट अ सिस्टमैटिक वन। द फर्स्ट सिस्टमैटिक सेंसस टुक प्लेस इन 1881 ड्यूरिंग द वॉयस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड रीपन। तो लॉर्ड रीपन के पीरियड में पहली जनगणना हुई 1881 में। अभी जो रिसेंट की जनगणना थी वो 2011 में, और अब नेक्स्ट जो कि शेड्यूल्ड है दैट इज 2021 में। तो ये इसमें जो पॉपुलेशन सेंसस में इनके जो पैरामीटर्स हैं उन्हें आप एक एक करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया एंड आई होप कि यू आर अवेयर अबाउट दिस। ये दादा भाई नौरोजी हैं जिनके बारे में अभी हम लोग, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड हु क्वाइंड अ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इट वाज एक्चुअली क्राइटेरिया फॉर्मुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी टू डिटरमाइन द मिनिमम डेली फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट इन इंडिया। He used the menu of a prisoner and calculated its cost according to its prevailing market prices. इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जब नेशनल इनकम अंग्रेजों के पीरियड में अकाउंटिंग की बात होती थी तो वहां पर आर सी देसाई, डॉक्टर वी के वी राव, दादा भाई नौरोजी, इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने में जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक तरह की क्राइटेरिया होती थी जिसको दादा भाई नौरोजी ने बनाया, और क्या डिटरमाइन करने के लिए, मिनिमम डेली फूड रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितना ये लोग जेल में बंद भारतीयों को देते थे उसी को आधार बना करके उन्हीं की प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के आधार पर दादा भाई ने ऐसी गणना की। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अब आज का हमारा असाइनमेंट जो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, देना चाहता हूं, वो देने के साथ साथ मैं आपसे डिस्कस भी कर ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो इसका सिंपल आंसर, इट वाज कंडक्टेड इन 1881। Who were the notable estimators of India's national and per capita income during British rule? अंग्रेजों के पीरियड में कौन कौन से लोग नेशनल और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किए थे? तो हमने अभी चार लोगों का नाम आपको बताया था, विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, आर सी देसाई, डॉक्टर वी के वी राव। तो ये सारे लोगों का नाम आपको देना है।
What was the most prominent cause of the stagnation of agricultural sector during British rule? अगर आप agricultural sector के stagnation के main reason के बारे में अगर आप देखें, तो जैसा कि मैंने बताया था जमींदारी system, उसमें जो land settlement system उन्होंने introduce किया, that was the very much coercive. तो इसलिए उसे एकमात्र reason के रूप में हम देखते हैं. फिर why 1921 is regarded as the great divide year in India's demographic history? ये क्योंकि पहली बार भारत की जनसंख्या, जब से इसकी जनगणना हो रही थी, पहली बार इसने नेगेटिव ट्रेंड दिखाया और हमारी डेमोग्राफी अब दूसरे फेज में एंटर कर गई. व्हाट वेयर द मेन रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? कुछ भी नहीं था, केवल और केवल जो यहां की हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी. क्योंकि स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन डेथ रेट बहुत हाई थी. किसी बीमार कोई पड़ता था, उसको किसी भी तरह से कोई उसके लिए फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी. तो व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? जैसा कि बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट वॉज 32 ओनली. और आज की डेट में कितना है? इट इज 68. याद रखना है. What is the per capita income? My next question is, what is the per capita income? Per capita income को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? National income divided by the population of the country. National income divided by the population of the country. अब when did British introduce railway in India? अभी हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि अप्रैल 1853 में पहली रेलवे हमारे यहां चली. लेकिन इंट्रोडक्शन की जहां तक बात है, दैट इज टू बी टेकन एज इन द ईयर ऑफ 1850. तो आई होप कि आप इन सवालों के आंसर्स अपने आप से भी करेंगे और इसे आप जरूर इसका आंसर लिखेंगे. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या आप सेव कर सकते हैं. और फिर हम बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे जरूर कुछ आप लोगों ने सीखा होगा. फिर हम लोग बहुत जल्द ही आपसे मिलते हैं और फिर एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे. सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस कार्य को अपने घर पर रह करके आगे बढ़ाएंगे. डिस्कस हुई हैं उन्हें आप अच्छे से अपने घर पर रिवाइज करेंगे. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके और आप लोगों से इंटरेक्शन करके. और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो यू कैन राइट योर यू नो क्वेरी इन द चैट बॉक्स. रिप्लाई यू एज आई कम ऑनलाइन. थैंक यू वेरी मच.